व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मदर ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग ने से मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मैंने इसमें कैसे R15 V2 में R3 की हेडलाइट असेंबली इंस्टॉल की। तो सबसे पहले आप लोग को कौन सी चीज़ चाहिए रहेगी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट चाहिए रहेगा और ये R3 की हेडलाइट चाहिए रहेगी। तो मैं इसमें फिलहाल जो DRL लगाया था इसलिए खोला था, तो मैं सोचा ये वीडियो भी बना दूँ। तो आप देख सकते हो कि आप इसमें मैंने DRL इंस्टॉल किया है और उसके साथ में एक उसके ऊपर का कवर ये, और उसके ऊपर जो अपने लगाएंगे ये वाला कवर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करने का इस चीज़ को, तो बने रहो मेरे चैनल पे। उसके बाद आप लोग देखने का है कि हम लोग को जो भी है जो वेल्डिंग में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। तो आप कोई भी वेल्डिंग शॉप के पास जाओगे तो आपको वहाँ पर ये जो ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको उसको ऐसा स्ट्रेट में रहता है उसको हल्का सा टिल्ट करने का है। उसके बाद जो दोनों साइड का एंगल सेम करने के बाद आपको ये साइड वाला पैनल आप देख रहे हो, तो ये साइड वाला पैनल पूरा आपको खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि R15 V2 में ये साइड पैनल पूरा सिंगल पीस में आता है और इसमें जो है R3 में आपको जब लगाओगे तो इतना सा जो पार्ट है वो ब्लैंक दिखेगा। तो आपको ये वाला पार्ट खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा, दोनों बाजू आप देख सकते हो। और उसके बाद अभी मैं आपको एक मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करके बताता हूँ कि क्या पहले लगाने का है, क्या वायरिंग करने का है। और तो मैं अभी इसमें सबसे पहले आपका हेडलाइट फिट करके बताता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे जो है वो इसकी हेडलाइट फिट हो चुकी है। यहाँ पे जो बोल्ट्स है उसके अंदर से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो नीचे दो बोल्ट्स और ऊपर दो बोल्ट्स उसके अंदर से पूरी हेडलाइट फिट हो गई है। और मैंने इसमें जो है वो DRL इंस्टॉल किए। तो आप लोग मुझे बताओ कि कैसे लग रहे हैं फिलहाल ये DRL। तो ये डे टाइम रनिंग लाइट और रात में भी अच्छे दिखते हैं, इसलिए मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया। तो अभी इसके बाद जो है इसके ऊपर R3 का ऊपर का जो काउल आता है वो लगाने का है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे लगेगा वो। तो ऊपर का काउल लगाने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे जो है वो ऐसे दो क्लैंप्स लगाने पड़ेंगे। वो क्यों लगाने के, तो मैं आपको वो आगे बताऊँगा कि क्यों लगाना है वो और किस चीज़ में वो हेल्प करेगा। तो फिलहाल तो अभी फ़िलहाल अपने पास ये वाला काउल है, तो मैं इसमें जल्दी से फिट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा लगेगा ये। तो अभी ये लगने के बाद कुछ ये इस तरीके से दिखेगा और वहाँ पे दो बोल्ट मारने के हो अपने को, तो मैं अभी जल्दी से इसमें बोल्ट मार देता हूँ, फिर नेक्स्ट बता दो अपने को क्या करने का है। अभी जो R3 का काउल है वो अच्छे तरीके से फिट हो गया है। और एक चीज़, हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ को अगर फिट कर रहे हो तो बीच में रबर का यूज़ करो, क्योंकि जब भी अगर आप हाई स्पीड पर लेकर जाओगे तो वाइब्रेशन होता है और रबर रहेगा तो जो वाइब्रेशन को जो है मिनिमम कर देता है और वाइब्रेशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इसको अंदर जो आपको क्लैंप लगाने बोला था वो क्यों लगाने बोला था। तो आपको ऐसे दो स्क्रूज़ लेने के, और जो है अगर आपको R3 का स्टॉक रखना है तो आप ऐसा रख सकते हो, उसके ऊपर जो R3 का वाइजर है वो लगा देना। लेकिन मेरे को स्टॉक नहीं रखने का है इसमें, मैं जो है R15 V3 का जो अपना हेड काउल है वो लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो R1 स्टाइलिंग आएगी, जिसके लिए वजह से सब आप मुझे कमेंट कर रहे थे कि क्या किसकी हेडलाइट है वो ऐसा लुक आएगा। तो ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है और कंप्लीट करते हैं ये वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पे R15 V2 के हेडलाइट की मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मैंने दो हेडलाइट का यूज़ किया है इसका इस फुल मॉडिफिकेशन में। तो वो है R15 V3 का काउल और R3 की मेन हेडलाइट, ठीक है। जो R3 आती है 320 cc वाली, उसकी हेडलाइट है ये। और आप लोग मुझे बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि मैंने इसमें कौन सी हेडलाइट यूज़ की, तो अभी आपको पता चल गया कौन सी हेडलाइट यूज़ किया है। तो चलो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तब तक डू व्हाट यू लव टू डू, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, वेयर हेलमेट, बाय बाय।